नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 13 जुलाई को यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है, जिस अटेम्प्ट में इनकी जान जाते जाते बचती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इस चुनाव में दोबारा से ये प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बहुत ही बड़े शख्सियत है, इसलिए जब भी इतने बड़े लोगों के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किए जाते हैं तो मल्टीपल थ्योरीज बाहर निकलते हैं। कुछ इसी तरीके से इस बार भी देखा जा रहा, जहां पे यूएस और वेस्टर्न मीडियाज बढ़ चढ़कर ये क्लेम करना शुरू कर दिए हैं कि ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे ईरान का हाथ है। अगर किसी भी तरीके से ईरान का इन्वॉल्वमेंट इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में है तो ये बताता है कि ईरान कितना कैपेबल है कि वो यूएस के अंदर घुस के उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का दम रखता है। और दूसरी बात, ये भी चांसेस काफी हाई हो सकता है कि यूएसए और वेस्टर्न मीडियाज बढ़ चढ़कर ईरान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे जैसे कि ईरान एक थ्रेट है। तो पॉसिबिलिटीज काफी हाई होते हैं। लेकिन अगर ईरान का नाम आया है इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे तो उसके पीछे भी कुछ वजह रहे होंगे, जिसको कि हम जानेंगे इस वीडियो में। ट्रंप के असैसिनेशन से रिगार्डिंग अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, और जिस दिन ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था उस दिन जिस तरीके से सीक्रेट सर्विसेज के जो मेंबर्स थे उनका जो बिहेवियर था, या इनफैक्ट अटैक होने के बाद उनको ये एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि उस सिचुएशन को कैसे ओवरपावर करना है और किस तरीके से ट्रंप को उस ग्राउंड जीरो से सक्सेसफुली बाहर निकालना है। अगर आप यूट्यूब पे पड़े वीडियोस देखेंगे तो आपको इनके सीक्रेट सर्विस मेंबर्स के ऊपर हंसी आएंगे और लगेगा कि ये कंप्लीट तरीके से अनट्रेंड मेंबर्स हैं। यूएस अथॉरिटीज के हिसाब से उनको किसी ने ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जा सकता है और इस अटेम्प्ट के पीछे ईरान का हाथ है। एक बहुत ही जो कॉमन या बेसिक चीज होता है वो ये होता है कि किसी भी देश के अगर कोई भी बहुत ही पॉपुलर लीडर होते हैं तो उनके बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन हर वक्त आते ही रहते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा फेमस होते हैं कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी उसी हिसाब से फैलते हैं। तो चाहे बात किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में या बात किया जाए जो बाइडेन के बारे में, तो इनके सिक्योरिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बात किया जाए जो एक्चुअल शूटर था जिसे कि उसी दिन मार गिराया गया था, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के बारे में, तो अब तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आया जहां पे ये साबित किया जा सके कि थॉमस का किसी भी तरीके से कोई लिंक था ईरान से या ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रंप के असैसिनेशन के रिगार्डिंग अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे इतने सारे सवाल हैं, और जो सवाल भी इमर्ज होके आ रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग सवाल हैं। और जहां तक बात किया जाए ईरान के बारे में, तो ईरान का नाम सबसे पहले क्यों आया इसके बारे में एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, या ये भी कह पाना मुश्किल है कि सच में ईरान इतना कैपेबल है कि वो यूएस में घुस के वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट को मार सकता है। लेकिन 2020 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस घटना में यूएस और इजराइल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। ईरान के एक बहुत ही फेमस या कहले एक बहुत ही कैपेबल मिलिट्री जनरल जिनका नाम कासिम सुलेमानी था, ये बगदाद के एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो उसी रास्ते में इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है और उस अटेम्प्ट में इनकी जान चली जाती है। और जिस तरीके से कासिम सुलेमानी को मारा जाता है वो भी काफी एक फिल्मी टाइप का एक इंसिडेंट होता है, जहां पे इनके जो गाड़ियों का काफिला होता है वो आता है और किसी कोने में एक गाड़ी पार्क रहती है और जिस गाड़ी में एक रोबोट रहता है उसके मदद से कासिम सुलेमानी के ऊपर फायर किया जाता है, और कुछ देर के बाद जिस गाड़ी से फायर किया जाता है वो गाड़ी भी बॉम्ब कर दिया जाता है। तो ये इंसिडेंट अपने आप में काफी बड़ा इंसिडेंट था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं या जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खुमेनी, वो काफी खफा होते हैं, और ईरान के और भी जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं वो भी काफी खफा होते हैं। और मल्टीपल ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं या इंटेलिजेंस गैदरिंग में मालूम पड़ा है कि कासिम सुलेमानी के जो असैसिनेशन का जो बदला है वो कहीं ना कहीं ईरान सोच रहा लेने के लिए, क्योंकि कासिम सुलेमानी के मौत के पीछे यूएस और इजराइल का हाथ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बेस बना के कहा जा रहा कि ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसके पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन इसमें से भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो यूएस के लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनके बीच में आपस में कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, और क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इसलिए अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट कैसे कर दिया गया और कोई एक शूटिंग राइफल लेके किसी भी छत पे कैसे पहुंच जाता है और सक्सेसफुली वहां से गोली भी फायर कर देता है। जहां तक बात किया जाए थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का, तो ये जब फायर करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो उसके पहले ये बकायदा ट्रंप को सुनने के लिए आता है, और मे बी वो उस जगह को इंस्पेक्ट करता है और उसके बाद वो जाता है छत है और फिर वहां से जाके वो फायर करता है। और एग्जैक्टली जिस कंपनी के छत का इस्तेमाल किया गया वो कंपनी ग्लास और प्लास्टिक पैकेजिंग की कंपनी थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उस दिन बंद था लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज थे उनके लिए वो
एज एन सिक्योरिटी पर्पज वो खुला हुआ था। कहने का मतलब है कि जब भी कहीं पे इतना बड़ा गैदरिंग होता है या इतने बड़े लीडर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस पूरे एरिया को कंप्लीट तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहें तो जितने सवाल ईरान के ऊपर उठाए जा रहे हैं, अगर उसका आधा भी सवाल यूएस के सीक्रेट सर्विसेज के ऊपर उठाया जाए तो शायद इस चीज को बहुत ही जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा और जो लूप होल था उसे भी तुरंत से फाइंड आउट कर लिया जाएगा। अब क्योंकि इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे ईरान का जिक्र किया जा रहा तो कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं होता है कि वो ये कहेगा कि हाँ इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे उसका हाथ था। लेकिन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है नासिर कनानी, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कासिम सुलेमानी को मारा गया था कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को उसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। तो इन अ वे अब ये एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ उस मोमेंट का कहीं ईरान बेनिफिट तो नहीं उठा रहा और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन हुआ है और उसी असैसिनेशन के पीछे ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा और कहीं ना कहीं इलेक्शन है तो ऐसा माना जा रहा कि इस पूरे चुनाव में असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ट्रंप को बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं और जवाब एक भी नहीं है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार यूएस के प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।